हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको मैथ का कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको अपनी अपनी कॉपीज़ में करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास न्यू कॉपीज़ हो, आप अपनी लास्ट ईयर की जो बची हुई कॉपी है, चाहे वो रिवीजन की कॉपी है चाहे वो क्लास वर्क की कॉपी है, उसमें एक होमवर्क कर सकते हैं। हम आपको डेली एक वर्कशीट दिया करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। आज मैथ का टर्न है तो हम आपको आज मैथ की एक वर्कशीट दे रहे हैं, ये वर्कशीट वन है। इसी तरह आपको वर्कशीट टू, वर्कशीट थ्री करके आगे भी होमवर्क मिलता रहेगा जो आपको अपनी अपनी कॉपीज में करना है। ये क्लास थर्ड की वर्कशीट है। जो बच्चे सेकेंड क्लास में थे वो प्रमोट होके अब थर्ड क्लास में आ गए हैं, तो उनको वो ये वर्कशीट करनी है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम। नंबर नेम मतलब इनकी हमें, ये जो नंबर आपको नीचे दिए गए हैं इनकी हमें स्पेलिंग लिखनी है। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर है ये हमें पढ़ने आने चाहिए। तो ये फर्स्ट जो नंबर है वो 139, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये लास्ट में जो नंबर होता है, जो लास्ट में वो होता है वंस प्लेस पे। ये जो मिडल में नंबर है यहाँ पर वो है टेंस प्लेस पे और ये है 100 प्लेस पे। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 139, इसको हम लिखेंगे अब इसकी स्पेलिंग। तो 100, ये जो 1 है ये कौन सी प्लेस पे था, 100, तो 100। ये जो 3 है इसको अगर हम पढ़ेंगे एक साथ तो 39, तो यहाँ पर हमने 39 की स्पेलिंग लिख दी। इसी तरह इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये 7 जो है वंस प्लेस पे है, 1 टेंस प्लेस पे है, 200 प्लेस पे है। तो जब हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, ये 217। तो इसकी जब हम स्पेलिंग लिखें तो 200 और ये 1 और 7 मिलके 17 बना, तो हमने यहाँ पर इसकी 17 की स्पेलिंग लिख दी। इसी तरह ये आपको आगे क्वेश्चन खुद करने हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 394। इसी तरह ये 438। क्वेश्चन नंबर 5, 563, F, 601, G, 722। ये जितनी भी स्पेलिंग से आगेगी ये सब आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर्स, यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें आपको ये नंबर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो डैश इज जस्ट आफ्टर 305, यानी कि 305 के एकदम से बाद में, जस्ट का मतलब एकदम, आफ्टर का मतलब बाद में, इसके एकदम बाद में कौन सा नंबर आता है। तो 305 के एकदम बाद में कौन सा नंबर आता है, 306, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। 570 जस्ट बिफोर, तो 570 है वो एकदम पहले, किसके एकदम पहले आता है, तो किसके एकदम पहले आता है, 571 के एकदम पहले कौन सा नंबर आता है, 570। तो यहाँ पर हमें लिखना था कि 570 किससे एकदम पहले आता है, जस्ट बिफोर का मतलब एकदम पहले। तो 571 से एकदम पहले कौन सा नंबर आता है, 570। सी, 599 इज जस्ट आफ्टर, 599 किसके एकदम बाद आता है, किसके एकदम बाद आता है, 598। तो यहाँ पर आप जो नंबर आएगा वो लिखेंगे 598, 598 के एकदम बाद कौन सा नंबर आता है, 599। डी, डैश इज जस्ट बिफोर 579, तो 579 जो यहाँ पर हमें नंबर लिखना है वो लिखना है कि इससे एकदम पहले कौन सा नंबर आता, तो 579 से एकदम पहले कौन सा नंबर आता, 578। ई, 255 इज बिटवीन 254 एंड डैश, जो 255 है वो किस, किन दो नंबर के बिटवीन, बीच में आता है, बिटवीन का मतलब बीच में, 255 किन दो नंबर के बीच में आता है, 254 एंड डैश, तो किस किस के बीच में आता है, 254 और 256 के बीच में 255 आता है, तो यहाँ पर 256 आंसर है। ये आपको अपने आप करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एफ, डैश इज बिटवीन 719 एंड 721, तो 719 और 721 के बीच में कौन सा नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से आपको ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इस क्वेश्चन नंबर ए में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको 6 नंबर्स दिए गए हैं, इन 6 में से जो भी सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसको हम देखते पढ़ते हैं। तो पहले 175,
453, 535, 194, 98, 476. इसमें हम पहचानेंगे कैसे, जोन सा नंबर हम काउंटिंग करते हो जो सबसे लास्ट में आएगा वो नंबर सबसे बड़ा होता है। तो 175, 453, 535, 194, 98 और 476 में से सबसे बाद में कौन सा नंबर आता है, 535, तो वो सबसे बड़ा नंबर है, इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 535 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। बी 231, 345, 348, 343, 691, 739। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो आप देखिए इसमें से सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, 231, 345, 348, 343, 691 और 739। तो कौन सा आएगा इसमें से, 739। तो यहाँ पर हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, 739 इज द आंसर सी। ये आपको अपने आप करने हैं तीनों क्वेश्चन, 238, 268, 263, 25, 226, 296। तो इसमें से आपको जो सा भी नंबर सबसे बड़ा है वो यहाँ पर लिखना है, ये आप खुद करेंगे अपनी अपनी इस कॉपी में। तो ये आज आपका पहली वर्कशीट हमने आपको समझाई है, ये आपको अपनी कॉपी में करनी है। इसी तरह हम आपको आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट की वर्कशीट पहले भी दी है और आगे भी इसी तरह देंगे, जो आपको अपनी अपनी कॉपी में करनी है। थैंक यू। घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।